देश के महान राजनेता, महान कवि और महान इंसान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं रहे। कल शाम 5:05 पर वे इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। अटल जी की आज अंतिम यात्रा का दिन है। सभी लोग उन्हें नमन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरा देश इस वक्त शोक की लहर में है। राजस्थान के भी कई बड़े नेताओं ने इस क्षति पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त किए। आइए देखते हैं। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अंतिम सांस ली। आप श्रद्धांजलि, जब से ये खबर सुनी है तो मन बड़ा व्यथित है और हमारे एक प्रेरणा पुंज, जिसको मैं कहूँ कि हमारे आदर्श, जिन्होंने राजनीति के अंदर बड़े बड़े आयाम स्थापित किए, जिसके आज देश ही नहीं पूरी दुनिया मुरीद है और हर मुल्क के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के शोक पर प्रत्येक व्यक्ति का मन दुखी हुआ है। मैं ईश्वर से कृपा करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उनकी आत्मा को स्थान प्रदान करें और उनके बताए गए पथ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, उनकी जो प्रेरणा थी, उनकी जो सोच थी, जिस तरह की वो कल्पना सोचते थे कि भारत शीर्ष पर हो और हम दुनिया की सिरमौर बने, जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति के अंदर प्रवेश किया, संघर्ष किया पूरे जीवन और जो आयाम वो स्थापित कर गए, उसका मैं समझता हूँ मेरे जैसे कार्यकर्ता अनुसरण करेगा। और उनका तन गया है लेकिन मन हमारे साथ ही है और हम उनके आदर्शों पर चलते हुए इस देश को शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, जो भी हमें दायित्व मिलता रहेगा हम उनके श्री चरणों में समर्पित करते रहेंगे, उनकी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने शून्य से शिखर तक इस पार्टी को पहुँचाने का काम किया, मेहनत किया, प्रत्येक कार्यकर्ता को उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके अपना जीवन अविवाहित रहते हुए और देश के नाम समर्पित किया, मैं उनको महान और कोटि कोटि नमन करता हूँ। और उस उद्देश्य को लेकर के हमारी पार्टी इस देश और प्रदेश और दुनिया में नाम रोशन करे, इस तरह का काम आगे आने वाले समय में उनकी प्रेरणा से अनुसरित होता रहेगा। और मैं एक उनकी जो खासियत मुख्य रूप से कि सभी के साथ, सभी का ख्याल, अंत्योदय जिस प्रकार से उन्होंने सोचा कि प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक सरकार का हर लाभान्वित योजना, इस गांव गरीब और किसान और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग तक पहुंचे, उसी उद्देश्य को लेकर के आज हमारी पार्टी उसी रीति और नीति पर चल भी रही है। और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है आज की जो समय में, जो वर्तमान सरकार है, वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे कार्य करती हुई चल रही है और आदरणीय मोदी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको आगे बढ़ाने का, उन्हीं की प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के उद्देश्यों पर चलते हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उद्देश्यों पर चलते हुए देश के प्रधानमंत्री देखिए, हम सबके लिए बहुत ही दुखद है। पहली बात, एक युग का अंत हुआ है। अटल जी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा के स्रोत थे। देश की राजनीति में जिसने विपक्षी दल की राजनीति का प्रमोदा था, उनकी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके जीवन के इतने बहुत सारे संस्मरण ऐसे हैं, जीवन की घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने करोड़ों ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम किया जो राष्ट्रभक्ति के इस बलविधि के ऊपर हमेशा बलिदान करने के लिए तैयार है। जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे, संपूर्ण विश्व में भारत के मान को कैसे बढ़ाया जाए, इसको देखने की बात हुई। भारत के प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री रहते हुए भी जहां आम आदमी के
आज स्वयं गोल्डन क्वार्टर जो चतुर्भुज योजना है सड़कों की, इसका कह सकते हैं नदियों को जोड़ने का संकल्प अटल जी का था। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध ठीक रहने चाहिए, संकल्प पूर्ण करने की बात है। गाँवों तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गाँव तक सड़क पहुँचनी चाहिए, उस ग्रामीण विकास की उन्नति की बात उन्होंने की। और जब जरूरत पड़ी दृढ़ता की, तो जिसमें वो पाकिस्तान लाहौर लेकर गए और पीछे से कारगिल का युद्ध किया पाकिस्तान ने, तो मुँह तोड़ जवाब देकर के जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता, मुशर्रफ आगरा आए लेकिन आगरा में किसी ट्रीटी पर साइन नहीं किए, इस कड़े भाव के रखने का कि भारत अपने निर्णय स्वयं करेगा, जब तक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से आतंकवाद को प्रश्रय देने का काम बंद नहीं होता तब तक किसी तरह की बात नहीं होगी। ऐसा व्यक्तित्व जो सब अपने आप में एक संस्था था, आज हमारे बीच चल रहा है। और पार्टी के नाम की बात करें तो हमारा तो मुखिया था, इस पूरे 52 में पहली बार राजनीति में आए हैं, 52 से लेकर के अब तक एक साधारण कार्यकर्ता से शुरू करके कई प्रधानमंत्री और आज तक के कालखंड को देखें, तो कह सकते हैं कि अपने जीवन से उन्होंने सबको प्रेरणा देने का काम, सरलता के प्रतिनिधि थे, राजनीतिक विचार के दायरे से तब हर राजनीतिक दल में हर विचार के लोगों से उनकी मित्रता थी। विचार अपनी जगह लेकिन संबंध अपनी जगह, राष्ट्र प्रथम है, इन सब विचारों को लेकर चलने वाला व्यक्ति हमारे बीच से गया। हम सब के लिए दुखद है, इस अपूर्णीय क्षति है, इसकी किसी तरह पूर्ति नहीं की जा सकती। केवल इस अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। राजस्थान से ये थी अमरदीप शर्मा की खास रिपोर्ट।